भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी महान हस्ती जिसने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया, जहां बतौर वैज्ञानिक उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय बना दिया, वहीं एक राष्ट्रपति के रूप में करोड़ों हिंदुस्तानियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। आइए आज हम इस महान देशभक्त, लेखक व वैज्ञानिक के अनमोल विचारों को जानते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। ईश्वर की संतान के रूप में मैं मुझे होने वाली किसी भी चीज से बड़ा हूं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के तीन प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं, पिता, माता और गुरु। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। इग्नाइटेड माइंड्स के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। यदि चार बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। युवाओं को जॉब सीकर्स से जॉब जनरेटर्स बनने के लिए सक्षम बनाना होगा। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से पनपती हैं? ये कभी न खत्म होने वाले लालच से आती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई इस लालच के खिलाफ लड़ी जानी होगी और इसे मैं क्या दे सकता हूं की भावना से बदलना होगा। छोटा लक्ष्य अपराध है। मुझे पक्का यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर कलाम के कुछ बेहद इंस्पायरिंग कोट्स। आई होप आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा होगा एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपने पॉजिटिविटी और मोटिवेशन से भरपूर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फौरन कर लें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।